हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा वीडियो है फास्टैग के बारे में। तो फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल का प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट का। तो ये फास्टैग जो है ये RFID टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, जिससे आप जो RFID है जी है वो टैग जो आप फास्टैग यूज़ करते हैं उसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है आपके अकाउंट से। जो भी आपका बैंक अकाउंट है, पेटीएम अकाउंट है, जो भी है उससे आपका कनेक्शन होता है। और ये जो फास्टैग है वो आपको आपके कार में या आपका जो भी व्हीकल है, फोर व्हीलर, मोटर ट्रक है, टेम्पो है, तो आपको ये जो है आपके जो कार का विंडस्क्रीन रहता है उसका जो मिरर रहता है उसके नीचे लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जो उसमें रहता है, और ये जो फास्टैग है इसकी वैलिडिटी रहती है 5 ईयर्स की टोटल। तो आज हम फास्टैग के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ये कैसे वर्क होता है, इसके क्या हमको क्या प्रोसीजर है फास्टैग खरीदने के लिए, और ये जो है ये कहाँ पर हमको मिलेगा, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि 15 दिसंबर से ये फास्टैग है जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फास्टैग के बारे में, तो हम जाएंगे यहाँ पर सबसे पहले जो फास्टैग की वेबसाइट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसमें यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएगी डिटेल्स में। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं जो भी पार्टिसिपेंट बैंक्स है उनके सब बैंक्स के नाम, कस्टमर केयर के नंबर है यहाँ पे, ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ सेल लोकेशन है जहाँ पे आपको फास्टैग मिलेगा, तो यहाँ पे ये भी उनके भी बैंक का नाम वगैरह सब दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक PDF है यहाँ पे अवेलेबल, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें, जो भी आपको डिटेल चाहिए, तो इसके आंसर यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, फास्टैग के बारे में यहाँ पे बताया, फिर इसके बारे में बेनिफिट होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद गवर्नमेंट का और एक साइट है, इंडिया हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड करके, तो इस पेज पे आप आएंगे इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी के। तो उस पर आपको यहाँ पे उसे दिख रहा है फास्टैग, यहाँ पे जाना है। तो यहाँ से आपको सब पता चलेगा कि नियर बाय पॉइंट ऑफ सेल लोकेशन कहाँ पे आपका जो फास्टैग आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है आपको टोल प्लाजा पे जो भी लोकेशन है जहाँ पे आपको ये फास्टैग मिलेंगे उसके बारे में, और आप यहाँ पे मंथली फास्टैग का पास भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फास्टैग में हम देखेंगे पॉइंट ऑफ सेल लोकेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो पेज आएगा पॉइंट ऑफ सेल लोकेशन का, तो यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, उसका जो सिटी है सिलेक्ट करेंगे, और आपको किस बैंक का लोकेशन चाहिए जहाँ पे आपको, यहाँ पे एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, फेडरल बैंक है, बहुत सारे बैंक्स है यहाँ पे। मैं यहाँ पे अभी SBI को सेलेक्ट करता हूँ, सर्च करेंगे हम, सर्च करने के बाद हमको यहाँ पे जो भी आपको पॉइंट ऑफ सेल के डिटेल्स है लोकेशन यहाँ पे आपको आ जाएंगे। देखिए मेमो पॉइंट ऑफ सेल लोकेशन, उसके बाद जो भी टाइप है ITO पॉइंट ऑफ सेल, बैंक अपने SBI सेलेक्ट किया था, आपको एड्रेस मिल जाएगा, वो जाएगा पिन कोड मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके फास्टैग सबमिट कर मतलब बना सकते हैं आपका। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हुआ फास्टैग का, आप कहाँ से परचेस करेंगे इसके बारे में। अगर आपको ऑनलाइन भी करना है तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसके लिए HDFC बैंक ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है, उसके बाद पेटीएम भी ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है। तो हम देखेंगे HDFC बैंक के बारे में, जैसे फास्टैग करके आपको डालना है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फास्टैग जो है। यहाँ पे जाने के बाद ऐसे आपको HDFC बैंक का पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ करना है फास्टैग को,
उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी होती है। तो ये सबसे पहले पूछेगा डू यू हैव एचडीएफसी बैंक सेविंग अकाउंट, अगर है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो नहीं। अगर आपके पास एचडीएफसी का बैंक अकाउंट रहेगा तो फिर आपको जो डिटेल्स हैं बहुत सारे वो भरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, डू यू वॉन्ट फास्टैग फॉर, आपको एक कमर्शियल व्हीकल रहता है पर्सनल, तो यहाँ पर आप पर्सनल के लिए जाएंगे। इसके बाद जो है आपको आपके सारे डिटेल्स फिल करने हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, मेरा डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सिलेक्ट, आपको सिटी सिलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है, लोकेशन डालनी है यहाँ पर, और आपको यहाँ पे आपके सब डिटेल डालने, पैन नंबर, जो भी केवाईसी डिटेल्स है वो, और उसके बाद आपको मैसेज करना, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैंडेटरी है, जो भी आप फास्टैग लेने के लिए जाओगे तो आपको सबसे जो चीज़ मैंडेटरी है वो है, तो फास्टैग के लिए आपको जो भी डिटेल चाहिए, मीन्स आपके व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लगेगा आपको, उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा आपका, जो भी व्हीकल के ओनर है उनका, उसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई डी, इन सब चीज़ों आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी व्हीकल का, ठीक है। तो ये होगा एचडीएफसी बैंक के थ्रू। अभी हम देखेंगे यूजिंग पेटीएम, जो आपको ऑनलाइन प्रोसेस है, पेटीएम में आपको पेटीएम फास्टैग डालना है, उसके बाद एंटर, उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे जो पेटीएम का साइट है यहाँ पर। ये पेटीएम का जो है आप थ्रू आपके पेटीएम ऐप से कर सकते हैं, नहीं तो थ्रू पेटीएम मॉल से, ये दो ऑप्शन है पेटीएम के लिए। यहाँ पर आपको बाय नाउ ऑन पेटीएम करना है, उसके बाद ये रिलेक्ट होके यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपका जो भी व्हीकल है, कार, जीप, वैन, तो फिर आपका जो कमर्शियल व्हीकल है, व्हीकल 2XL है, मिनी बस है, यहाँ पर आप देख सकते हो बस 3XL, ट्रक है उसमें, उसके बाद ट्रक 2XL है, ट्रक 6XL है, तो आपका जो भी व्हीकल है आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ व्हीकल के बारे में, तो मैं यहाँ पर कार के लिए ऑर्डर करना चाहता हूँ, तो ये रिडायरेक्ट होगा आपके पेटीएम मॉल के पेज पर, ठीक है। तो अभी हम इसके जो भी चार्जेस है उसके बारे में जानते हैं। तो फास्टैग का जो भी प्राइस है वो है 100 रुपीज़, जो जहाँ से भी आप फास्टैग खरीदोगे उसका चार्जेस है मिनिमम 100 रुपीज़, ओके। उसके बाद आपको उसमें बैलेंस मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर आप पेटीएम के थ्रू करते हैं तो आपको उसमें मिनिमम 150 बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा, और आप थ्रू पेटीएम वॉलेट से आप कर सकते हैं। आप अगर HDFC से कर रहे हो तो आपको HDFC पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप उसको रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई भी अदर बैंक पे कर रहे हो तो अगर अदर बैंक से आप उसको रिचार्ज कर सकते हो। तो उसके बाद है यहाँ पे पेटीएम पे रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 250 रुपीज़, ये आपको रिफंड रहेगा जब भी आप ये पेटीएम का अगर फास्टैग नहीं यूज़ करोगे तो आपको ये 250 रुपीज़ फिर से आपको रिफंड हो जाएगा जब भी आप इसको यूज़ करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो टोटल आपको पहुंच जाता है 500 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको RC का जो है उसके फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, फ्रंट साइड बैक साइड के दोनों के लिए, और उसके बाद आपको बाय करना है यहाँ से, और आपको ये जो है आपको आपके ऑनलाइन आप ऑर्डर करके आपके घर पे मंगवा सकते हैं डायरेक्ट से, ओके। तो ये हो गई सारी चीज़ें, आपको फास्टैग कैसे लेना है वगैरह वगैरह सब इसके बारे में। अब भी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहेगा कि जो पहले हमारा टोल का सिस्टम था तो उसमें क्या था, अगर हम अगर हमको सिंगल साइड जाना है तो हम सिंगल साइड टोल काटते थे, बट हमको उसी दिन रिटर्न आना रहता है तो हम जो रिटर्न का टोल काटते थे। अगर सिंगल साइड टोल है हमारा 200 रुपीज़, तो हम जाते समय 200 का टोल फाड़ेंगे, और अगर हमको उसी दिन रिटर्न आना है तो हम रिटर्न का टोल लेते हैं। तो आपका जो भी मतलब सिंगल साइड का था 200 रिटर्न का, और फिर से आप अगर आ रहे हैं तो 200, ऐसे 400 होता है, बट अगर आपको रिटर्न का टोल फाटते थे तो आपको कम पड़ता था चार्जेस उसका, कुछ तो 300-320 वगैरह ऐसे पड़ता। तो अभी यहाँ पे कैसे होगा फास्टैग जब आप यूज़ करोगे, तो यहाँ पे आपको
क्या दिक्कत है, ये सब मतलब क्वेश्चन है आप सबके मन में कि कैसे होगा फिर रिटर्न के लिए। तो रिटर्न के लिए कुछ नहीं, सिंपल है। जब भी आप टोल प्लाजा में एंटर करोगे, आपका जो भी है टोल डिडक्ट हो जाएगा सिंगल साइड का। बट अगर आप 23 मीन्स उसी दिन अगर रिटर्न आते हो, मतलब 23 आवर 59 मिनट्स के अंदर फिर से वो टोल के अंदर आप एंटर करते हो, आपका जो टोल है वो रिटर्न का जो आपका जो पहले जो मैनुअल सिनेरियो था वैसे ही कट होगा। तो उसके लिए कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी है वो आपका मीन्स जो 320 टोल है रिटर्न का वही उतना ही डिडक्ट होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है इसमें। और उसके बाद जो भी हमारे आर्मी मैन है उनके लिए जो टोल के टैक्स नहीं लगता है उनको, तो उनके लिए सेपरेट से लाइन रहेगी, ठीक है। जो भी लोकल रहते हैं हाईवे के बाजू में, जो भी गांव रहते हैं, तो उनके लिए भी सेपरेट से लाइन रहेगी। तो उनको भी कुछ दिक्कत की बात नहीं है कि उनका आना जाना रहता है हर रोज़ का, तो फिर वो भी फास्टैग यूज़ करेंगे तो उनको भी चार्ज लगेगा। तो वैसे कुछ भी बात नहीं है, उनके लिए सेपरेट से गवर्नमेंट ने लाइन अरेंज किया है, ठीक है। मीन्स तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारे लिंक्स दे दूँगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी के, जो भी लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आपको जो जैसे मैंने बताया बैंक का, तो पॉइंट ऑफ सेल आप देख के आपको जो भी बैंक में करना है तो वहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर दोस्तों वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।